वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। इस समय सवेरे के 5:30 हो रहे हैं और मैं सवेरे के 5:30 बजे बेसिकली निकला हूँ अपने घर के बाहर। सबसे पहले मुझे अपने गाड़ी में तेल भरवाना है, उसके बाद फिर ऐसे ही निकले हमारे घूमने फिरने। अभी दिक्कत अभी क्या है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, है ना। मतलब पैसे हैं लेकिन अकाउंट में है पैसे। अगर तुम लोगों ने मेरा पिछला वाला का मोटोव्लॉग देखा होगा तो कोई भी ATM काम नहीं कर रहा था, किसी भी ATM से पैसे नहीं निकल रहे थे। सो अभी सोच रहा हूँ कि अभी काम चलाने के लिए अभी तेल भरवा ले रहा हूँ, है ना। बाद में ज्यादा का तेल भरवा लेंगे। बंद है क्या? दूसरा वाला नहीं है क्या? नो भैया, यहाँ पर है ही नहीं। एक्स्ट्रा प्रीमियम है। मैं अपनी गाड़ी को मैं रिजर्व में चला लूंगा लेकिन भाई मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम में कभी भी नहीं पड़वाने वाला। एक बार मैंने पड़वा के देखा था, है ना, कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ ऐसे ही बर्बादी लगा। मुझे ऐसा लगने लगा था कि भाई मैंने 2 रुपए मैंने पर लीटर एक्स्ट्रा दे दिए। अभी खुला नहीं है क्या? कितने बजे खुलता है? लो भाई, ये पेट्रोल पंप बंद है। चलो तो ऐसा लग रहा है कि हमारी गाड़ी आज बिना तेल के चलेगी। अगर तुम लोग अगर नोटिस अगर मेरे मोटोव्लॉग में कर पा रहे हो तो नीचे के साइड में यहाँ पर सबटाइटल बेसिकली दिख रहे होंगे तुम लोगों को। मैं जो बोल रहा हूँ उसका इंग्लिश में अनुवाद है उसका। मैंने सोचा यार सबटाइटल एक बार लगा के देखते हैं, है ना, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर है क्या? ये काम कर रहा है क्या? नॉर्मल वाला है ना। 105 का डाल दीजिए। 105 क्या आप ऑनलाइन नहीं होता है क्या? रसीद निकाल दीजिए। हाँ बाबा जी, चल नहीं रही है क्या अभी? चलो रसीद यार पहले पढ़ ले एक बार, है ना, ये देखना जरूरी होता है भाई, है ना। 96 रुपए का तेल। चलो महंगाई है तो क्या किया जा सकता है सर। अच्छा मेरी गाड़ी ना, मेरी भाई कितनी महान है, तुम लोग देखो। मैंने इसमें वो 100 रुपए का इसमें तेल भरवाया और ये आधी टंकी फुल बता रहा है। चलो अभी एक दिन का तो मेरा काम हो जाएगा आज भर का, बाद की बाद में देखी जाएगी और क्या। मैं देखो कल रात में मैं सोया हुआ हूँ नहीं, मैं जो हूँ वो सवेरे सवेरे जगा हुआ था, है ना। सोते सोते 5 बज गए मुझे, है ना। सो मैंने सोचा यार 5 बजे अब क्या सोऊं, है ना। मैंने कहा चलो यार घूमने फिरने चलते हैं, वैसे भी आज सैटरडे है, सैटरडे का फायदा उठा के घूमने फिरने अब चलते हैं, है ना। तो हम इस समय हम घूमने फिरने हम निकले हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि सवेरे है। इस समय ना मुझे ना एकदम दिवाली की शाम वाली फीलिंग आ रही है ना। लखनऊ में जब दिवाली के एक दिन बाद होता है ना, पूरा मौसम ऐसे ही हो जाता है ना, और एकदम शाम की तरह। इस समय 5:30 हो रहे हैं। 5:30 का इस कुछ ऐसा कुछ मौसम दिखता है। उतना ठंडा उतना फील नहीं हो रहा है लेकिन जितना भी है ठीक है, क्या किया जा सकता है। अच्छा आज के दिन ना छुट्टी होगी, है ना, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे का फायदा उठा के लोग अब आज निकले होंगे एथलीट बनने, रनिंग करने सवेरे सवेरे। सो आज के दिन हम लोगों को इस वाले पार्क में बहुत सारे एथलीट मिलेंगे जो कि अपने एथलीज्म का एग्जाम्पल देंगे। अरे ये क्या? अच्छा हाँ यार, यहाँ पर मेला लगा हुआ था ना बहुत पहले। मेला हट गया क्या? यहाँ पर गाइस बहुत बड़ा यहाँ पर मेला लगा हुआ था। मैं उधर जा रहा था तो मैंने देखा था यहाँ पर, लेकिन अभी से जो है मेला अभी हट गया है तो अभी कोई मतलब नहीं है बोलने का बताने का। एक टट्टी कर रहा है क्या? अरे 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 भाई साहब, इतने सारे लोग तो यहाँ पर जिंदगी में कभी नहीं आए। ओके सो मैंने कहा इसमें यहाँ पर आया था बेसिकली एक्सटेंडेड रिवर फ्रंट में। एंड वेलकम बैक टू माय मोटोव्लॉग। अगर आप लोग अगर यहाँ तक अगर देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मैं नॉर्मली मैं उस तरफ से जाता लेकिन ये वाला रास्ता जो है ये खुला हुआ है तो हम इस समय हम इस वाले रास्ते से हम जाएंगे। अरे भुट्टा महक रहा है भाई, भुट्टे की महक आ रही है कहीं से। और चलो गाइस तुम लोग गंज घुमाए। अरे यहाँ पर क्रिकेट होता है भाई, मैदान है यहाँ पर क्रिकेट का। अरे ये क्या? यहाँ पर छोटा सा डिवाइडर था, ये क्या बना दिए ये लोग? इस पे लोग सो रहे हैं। ये बेड बनाए हैं क्या? रोड थोड़ी सी चौड़ी लग रही है ना, नहीं तो यहाँ पर तो भाई टूटा हुआ डिवाइडर था। यहाँ पर बेसिकली लोग डिवाइडर अपनी कुदा के जाते थे, बाइक वाइक कार वार। सो ये गाइज ये कोई तो चौराहा है ना, परिवर्तन चौक शायद इसको कहते हैं, है ना। यहाँ से सीधे निकल जाओगे तो अमीनाबाद पहुंच जाओगे। यहाँ से अगर राइट अगर निकल जाओगे तो भूल भुलैया बेसिकली पहुंच जाओगे। और यहाँ से लेफ्ट अगर निकल जाओगे तो हजरतगंज पहुंच जाओगे, जहां पर हम लोग भी जा रहे हैं, है ना। ये देखो गाइस ये हजरतगंज है। ये एक्सपेंसिव अमीनाबाद है यहाँ का। यहाँ पर बहुत यहाँ पर तगड़ा जाम लगता है। एकदम सुकून लग रहा है ना, इतना सुकून नहीं मिलता यहाँ पर। और ये दोनों रास्ते एक ही जगह जाता है लेकिन हम जो है वो छोटा वाला रास्ता ले रहे हैं। ये वाला रास्ता बेसिकली चिड़ियाघर वाला रास्ता है। यहाँ से अगर लेफ्ट अगर लोगे तो चिड़ियाघर पहुंच जाओगे। इस तरफ चिड़ियाघर है। और ये वाली रोड तुम लोगों को बहुत चौड़ी लग रही होगी ना, लेकिन दिन में यहाँ पर इतना भयंकर जाम लगता है ना कि क्या बताएं भाई, बहुत तगड़ा जाम लगता है यहाँ पर, है ना। ये तो फिलहाल लोहिया पथ है पर आगे कहीं लिखा भी होगा लोहिया पथ। ये देखो लोहिया पथ। इस वाले रोड पे भाई लोग भगाते हैं अपनी बाइक, है ना। हम भी चाहे हम भी भगा सकते हैं लेकिन हमें जो है वो मोटोव्लॉग करना है। ये देखो भाई कितना सही भगा रहे हैं ये लोग। चलो मैं भी भगाता हूँ। आओ इतना देर में मेरी बाइक जो है वो लगभग 100 टच कर दी थी है ना, लेकिन उसके आगे मैंने खींचा नहीं। ऑब्वियसली तेल भरवा के आए हैं भाई है ना, ऐसे लगता है कि तेल का नुकसान हो गया। यहाँ पर भी रुकना चाहता रुक जाता, लेकिन ये वाले पुल ऐसा है कि इस वाले पुल पे जितने भी ट्रैफिक जाती है ना, उन सबकी आवाज़ जो है वो मेरे कैमरे में पता नहीं कैसे आ जाती है। मेरा कैमरा अपने से कैप्चर कर लेता है वो सब आवाज़, तो इसीलिए मैं इस वाले रोड पे मैं ब्लॉक करना जो है वो मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये देखो भाई मेरे सामने भी एक विक्रांत जा रही है। बताओ यार वो इतना दूर निकल गया यार मन तो मेरा भी करता है इतना तेज चलाने का, लेकिन ब्लॉगिंग भैया बाबू भैया ब्लॉगिंग। बताओ ऑटो वाला मेरे साथ चल रहा है, सोचो। अच्छा इस वाले ऑटो वाले को मैंने नाम दिया है नहीं, इस वाले ऑटो वाले का नाम है रमेश। ऑटो ड्राइवर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ऑटो वाले का नाम, ऑटो का नाम है रमेश। और रमेश जो है रमेश ड्रिंक करके चलता है, मतलब पेट्रोल ड्रिंक करके चलता है, CNG ड्रिंक करके चलता है। जो देखो गाइस कल वाले ब्लॉग्स में हम लोग यहाँ से आए थे, ये वाला रास्ता जो है ये रविंद्र पल्ली को जाता है और यहाँ से सीधे उधर निकल गए थे। वो वाला रास्ता लोहिया पार्क और से लेके अम्बेडकर पार्क होते हुए जाता है। अरे 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 ऐसे बीच में चलाना सही नहीं है। वो लड़की पीछे बीच रोड पे चला रही है यार, कोई गाड़ी वाला के ठोक ठाक देगा। अरे भाई सवेरे सवेरे की ये राइड, ये मॉर्निंग राइड सवेरे सवेरे, मुझे तो मजा आ गया। इस समय 6:30 हो रहा है और मैं अभी क्या करता हूँ, मैं आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म, क्योंकि हम जो है वो पॉलिटेक्निक चौराहे पे हम लोग पहुँच चुके हैं। और चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाला ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना। और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है उस पर जाके लिख देना। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। क्यों हॉर्न मार रहे हो? बस इतनी, वो बच्चे को चर्बी चढ़ी हुई थी।